तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बात को। हम लोग सबसे पहले स्कॉटिश वॉरियर स्कॉटिश साइकोपैथ ड्रू मैकइंटायर से। तो भाई कल एक काफी ब्रूटल मैच के अंदर मैकइंटायर कंपीट कर रहे थे अगेंस्ट बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक। मैंने आपको अपडेट बताई कि पीडब्ल्यू इनसाइडर का कहना था कि मैच खत्म होने के बाद मैकइंटायर जब बैक स्टेज गए तो वो काफी बैंक्ड अप दिख रहे थे। इवन उनके स्कल पे भाई 16 स्टिचेस लगे उनके वाउंड को सिलने के लिए, यानी कि टोटल 16 टाके लगे। अब मैकइंटायर का पहला रिएक्शन भाई निकल के सामने आया इस चीज के ऊपर। एक तो डब्ल्यूडब्ल्यू भाई यूट्यूब वीडियो पोस्ट कर दिए जहाँ पे मैकइंटायर कैमरामैन वगैरह को क्रू मेंबर्स को एफ ऑफ कहते हुए दिख रहे होते हैं। इसके बाद भाई मैकइंटायर ने खुद से एक ट्वीट करा, आप लोग देख सकते होगे, मल्टीपल फोटो शेयर करते हैं इस मैच से सारी भाई ब्लड बैथ वाली। एंड में एक फोटो डालते हैं भाई जहाँ पे इनको टांके लगे हुए हैं। तो ये है वो पिक्चर जहाँ पे मैकइंटायर बेचारे साफ टांके लगा के बैठे हुए दिख रहे हैं। अब इस टाइम पे सोचो भाई दर्द कितना होगा इनको यार, मैं तो मतलब वो नहीं कर सकता। जब मैंने देखा टूल बॉक्स से जब हिट करते हैं उस मेटल टूल बॉक्स से सीएम पंक, उसके बाद जो मैकइंटायर का इन्होंने शॉट दिखाया था, टोटल मैकइंटायर का चेहरा ही ब्लड में कवर हो गया था। सीएम पंक वाली जो आई थिंक भाई ब्लीडिंग थी, वो आई गेस मुझे ऐसा लगता है कि ब्लीडिंग थी ज्यादा, बिकॉज जब मैकइंटायर ने सीएम पंक को हिट करा उसके बाद मैकइंटायर जब उस साइड जाते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू कैमरा एंगल चेंज कर देती है, सीएम पंक से कैमरा हटा देती है, तो सीएम पंक को इनफ टाइम मिल जाता है कि वो ब्लीडिंग कर सके। तो वो तो वहां पे कर रहे थे, जिस तरीके से भाई उनके ब्लड ड्रॉप्स गिर रहे थे मुझे देख के लग रहा था कि हाँ भाई ये ब्लीडिंग है। लेकिन मैकइंटायर का सर बिल्कुल वाइड ओपन हो गया था जैसे ही हिट करा मेटल टूल बॉक्स सीएम पंक ने। उसके बाद जैसे ही कैमरा मैकइंटायर की तरफ गया वो तुरंत उनका खून फैल गया था उनके चेहरे पे, उनके बाल पे, उनके आंख पे। लेकिन सीएम पंक वाला जो खून था भाई वो टप 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 ऐसा गिर रहा था। तो ये डिफरेंस होता है ब्लीडिंग में एंड रियल ब्लड में। तो रियल ब्लड तो भाई ब्लीडिंग वाला भी है, लेकिन वो ना हल्का सा उन्होंने बस एक खरोच सा दिया उसके बाद ब्लड निकलने लगा। लेकिन मैकइंटायर का फट गया था एक्चुअली में, एंड फटा इसलिए भाई इनको स्टिचेस लेने पड़े, सीएम पंक को स्टिचेस नहीं लेने पड़ेंगे। तो ये है भाई मैकइंटायर की तरफ से पहला रिएक्शन। 100% भाई दोनों ने काफ़ी बेस्ट दिया है, तो मैकइंटायर को ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज इन्होंने कुछ ज़्यादा दांव पे लगा दिया अपने आप को। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अब ट्रिपल एच को लेके। ट्रिपल एच ने रिएक्ट करा गाइस केविन ओवंस एंड कोडी रोड्स पे। कल केविन ओवंस ने गजब भयंकर हरकत कर दी, कोडी रोड्स पे अटैक कर दिया बैक स्टेज पार्किंग लॉट में, एंड बहुत ब्रूटल अटैक कर दिया बैड ब्लड खत्म होने के बाद में। टर्न हो चुका है लेकिन टेलीविजन पे नहीं हुआ है। ट्रिपल एच भाई इसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, ट्वीट करते हैं, आप देख सकते हो कि 9 घंटे पहले का ट्वीट है। लिखते हैं यहाँ पे ट्वीट करके, वी आर अवेयर ऑफ द इंसिडेंट आउटसाइड ऑफ द एरेना लास्ट नाइट बिटवीन कोडी रोड्स एंड केविन ओवंस, द मैटर विल बी डेल्ट विद इंटरनली। कहना है ट्रिपल एच का कि हम अवेयर हैं इस इंसिडेंट से जो कि हुआ केविन ओवंस कोडी रोड्स के बीच में, ये जो मैटर है भाई इसको हम लोग इंटरनली डील करेंगे, यानी कि इसको हम लोग मैनेज करेंगे क्या है क्या नहीं। 9 घंटे के अंदर भाई इस ट्वीट पे 83,000 लाइक्स है, ऑलमोस्ट 84,000 आप कह सकते हो, 8 मिलियन लगभग व्यूज़ है, पहुंच ही जाएंगे शायद ये वीडियो अपलोड करते करते। तो भाई आप समझ सकते हो कि ये चीज़ कितनी प्रॉफिटेबल है। अगर ये सेम चीज़ टेलीविज़न पे होती तो क्या ट्रिपल एच ये ट्वीट कर पाते, क्या ये इतनी हाइप बन पाती, क्या इतना इंगेजमेंट आता? नहीं आता, क्योंकि ये चीज़ भाई हमें देखने को मिली पार्किंग लॉट में। डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस चीज़ को दिखाया नहीं अपने प्लेटफॉर्म्स पे, एंड ट्रिपल एच इसको ट्वीट कर रहे हैं तो लोग अब इसको थोड़ा सा तो रियल समझेंगे। मतलब सबको पता है कि ये रियल नहीं है, लेकिन स्टिल ये रियल ना होते हुए भी रियल वाली वाइब्स तो दे रहा है, तो इसलिए भाई इंगेजमेंट मिल रही है ट्रिपल एच को, एंड डब्ल्यूडब्ल्यू के अकाउंट्स को भी मिलेगी जब ये प्रॉपर इस चीज़ को प्रमोट करना चालू करेंगे। तो फिलहाल भाई ये कुछ हुआ है, एंड ट्रिपल एच कुछ इस तरीके से इस चीज़ पर रिएक्ट करते हैं। लेट्स सी भाई इंटरनली ये लोग कैसे इस चीज़ से डील करते हैं कैसे नहीं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि लिव मॉर्गन एंड रिया रिप्ली को लेके। इनका जो शार्क केज मैच हुआ, महा घटिया मैच था पहले तो, लेकिन मैच की एंडिंग भाई वो भी और घटिया थी, बॉच वाली एंडिंग थी। रकील रोड्रा के साथ ही लिव मॉर्गन को सेव करने, सेव तो कर लेती है, मैच डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो जाता है। इसके बाद वो लिव मॉर्गन को उठा के रिया रिप्ली पे फेंक देती हैं पिन करने के लिए। अब एक बहुत मैसिव ब्लंडर था, लेकिन एक्चुअली में क्या ये बॉच था? जी नहीं, ये बॉच नहीं था। मैं आपको बताता हूँ, फाइटफुल सिलेक्ट की अपडेट है, कहा जाता है यहाँ पे, इट वॉज इम्प्लाइड दैट द ओरिजिनल फिनिश टू रिया रिप्ली वर्सेस लिव मॉर्गन वॉज लिव विनिंग विद रकील रोड्रिगेज हेल्प। हाउएवर द रेफरी कुड नॉट जस्टिफाई नॉट डूइंग अ डिस्क्वालिफिकेशन फिनिश एज ही सॉ एवरीथिंग अनफोल्ड। कहना है फाइटफुल सिलेक्ट का कि माना ये जा रहा है, बताया जा रहा है कि रिया रिप्ली एंड लिव मॉर्गन की मैच की एंडिंग भाई ओरिजिनली प्लान्ड कुछ ऐसी थी कि लिव मॉर्गन को हेल्प करेंगी रकील रोड्रिगेज, एंड जो कर रही थी ना रकील रोड्रिगेज पिन कराने की कोशिश, वो उसी तरीके से मैच एंड होने वाला था। रेफरी यहाँ पे होता एंड वो 1-2-3 काउंट करता, लेकिन रेफरी ने भाई रकील रोड्रिगेज की इस अटैक को बिल्कुल अपने आंखों के सामने अनफोल्ड होते हुए देख लिया, तो वो कैसे नहीं डिस्क्वालिफिकेशन कराते ये चीज़ शायद रेफरी को समझ नहीं आई, तो इसलिए उन्होंने मैच को पहले ही डिस्क्वालिफिकेशन में एंड कर दिया। तो जो प्लान्स थे भाई रकील रोड्रिगेज उस प्लान पे ही वर्क कर रही थी, बस रेफरी ने भाई बीच मैच
में ही प्लान्स चेंज कर दिए खुद से, लेकिन एंड में रकी रोड्रिग को शायद थोड़ा इस चीज़ को समझना चाहिए था कि डिस्क्वालिफिकेशन हो चुका है, प्लान्स चेंज हो चुके हैं, तो अब नीड नहीं है इस चीज़ की। हालांकि ये चीज़ इतनी मैटर करती नहीं है भाई, लेकिन देन अगेन लोग पॉइंट आउट करते हैं इन चीज़ों को, तो इसलिए भाई फाइटफुल सिलेक्ट की ये कुछ अपडेट है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है फाइनल बॉस रॉक को लेके। मैंने आपको कल एक अपडेट बताया कि WWE भाई अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वीडियो पोस्ट करती है रॉक के रिटर्न की, जहाँ पे ये लोग टाइटल काफ़ी इंटरेस्टिंग लिखते हैं। टाइटल में इन्होंने लिख के रखा था रोमन रेंस का नाम, कि रोमन रेंस को रॉक ने स्टेयर डाउन करा। कहते हैं पहले वाले टाइटल में द रॉक मेक्स एन अर्थ शैटरिंग रिटर्न और एंड स्टेयर्स डाउन रोमन रेंस, लेकिन अब भाई इस टाइटल को चेंज कर चुके हैं WWE वाले। एंड अब आप इनके चैनल पर जाकर देखोगे तो यहाँ पे टाइटल के अंदर अब रोमन रेंस का नाम नहीं है, अब यहाँ पे इन्होंने एवरीवन लिख दिया है। इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है भाई? देखो, इसके पीछे का रीज़न मुझे लगता है कि या तो इनके व्यूज़ कम है इसलिए इन्होंने चेंज करा टाइटल को, या नहीं तो हो सकता है कि WWE वालों ने देखा होगा कि नहीं भाई रोमन का नाम डालना सही नहीं है, सब कुछ स्पॉइल हो रहा है, तो एक काम करो एवरीवन लिख दो। या तो फिर ये हो सकता है भाई कि जस्ट ऐसे ट्वीक करते रहते हैं टाइटल्स वगैरह में, तो ये उसका ही एक पार्ट हो। अब मुझे ऐसा लगता है बाकी आई डोंट थिंक कोई बहुत मेजर रीज़न है, ऐसा नहीं कि कुछ ये लीक कर रहे हैं वो, लेकिन देखना होगा फिलहाल। हाँ, ये एक हिंट जरूर से हो सकता है कि शायद रॉक अकेले रोमन रेंस के लिए नहीं जा रहे हो, हो सकता है कि मे बी रॉक कोडी के लिए भी जा रहे हो, इसलिए एवरीवन इन्होंने लिखा हो। तो लेट्स सी क्या होता है भाई, फिलहाल ये इन्होंने टाइटल को चेंज कर दिया, तो मैंने अपडेट आपको कल बताई थी, सो आई थॉट अगर भाई टाइटल चेंज हुआ तो वो भी बता देते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं अपनी सबसे मेजर स्टोरी के बारे में जो कि शायद अभी ब्लड लाइन स्टोरी के लैंडस्केप को टोटली चेंज करके रख देगी। बहुत मैसिव अपडेट है भाई रॉक को लेके, लेकिन उससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई ऐसे ही WWE की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपको बताता हूं भाई, एक वीडियो निकल के सामने आई है बैड ब्लड से, जब रॉक वापस आ चुके थे, स्टेयर डाउन कर रहे थे रोमन कोडी जिमी उसो को, तो सोलो सिकोवा जेकब फाटो भाई क्राउड के बीच में से निकल रहे थे। अब क्राउड में से किसी एक फैन ने ये वीडियो रिकॉर्ड करी है, एंड इस वीडियो के अंदर सोलो सिकोवा कहते हुए दिख रहे हैं जेकब फाटो को, जो कि फैंस ने भी सुन ली है चीज़, फैंस को कहते हुए दिख रहे हैं, पता नहीं किसी को भी कहते हुए दिख रहे हैं, कहते हैं पार्ट ऑफ द प्लान, कहते हैं कि रॉक का आना प्लान का एक पार्ट है। इनका साफ कहना है कि ये उनकी ही ब्लड लाइन का पार्ट है, पार्ट ऑफ द प्लान कहता है। आप देख सकते हो सोलो सिकोवा टू फैंस ड्यूरिंग द रॉक्स रिटर्न एट बैड ब्लड लास्ट नाइट, कहते हैं पार्ट ऑफ द प्लान। अब ये वीडियो भाई इंटरनेट पे बहुत गदर मचा रही है, लोगों ने एक्सपेक्ट तो करा था कि हो सकता है कि रॉक शायद एक्चुअल लीडर हो, लेकिन अभी तक ये चीज़ कन्फर्म नहीं थी, अब ये चीज़ पक्का कन्फर्म हो चुकी है। बस देखना है भाई कि टेलीविज़न पे क्या होता है। अब आई पर्सनली थिंक भाई कि टेलीविज़न पे जब ये लोग इस चीज़ को दिखाएंगे तो आई थिंक इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, यानी कि टेलीविज़न पे ये तुरंत नहीं दिखाएंगे। अब सोलो सिकोवा ने इस चीज़ को बोला है, सो आई थिंक इसको एक डेढ़ महीने दो महीने कैरी करेंगे, उसके बाद प्रॉपर रिवील करेंगे, या तो क्या पता भाई हो सकता है तुरंत ही करते हैं, वो तो देखना है क्या होता है। यानी फिलहाल ये कुछ सोलो सिकोवा ने रिवील करा है कि दिस ऑल इज़ अ पार्ट ऑफ द प्लान एंड द रॉक कमिंग बैक इज़ बिकॉज ऑफ हिम, या फिर कह सकते हो इज़ बिकॉज ऑफ हिज ओन ब्लड लाइन, जो कि सोलो सिकोवा जेकब फाटो एंड टोंगा ब्रदर्स की ब्लड लाइन। क्या सोचते हो आप इसके बारे में कमेंट करके बताना, मजा आएगा भाई। स्टोरी अब काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हो चुकी है, एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी में ही भाई इंजॉयमेंट है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट अफेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।